जो छात्र बीएड परस्यू कर रहे हैं उन लोगों को इंग्लिश में लेसन प्लान किस तरह से तैयार करना है, आइए सीखते हैं और जानते हैं हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश लेसन प्लान। सो वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, आपको एक कम्प्लीटली ओवरव्यू यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ और ये एक बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही बेनिफिशियल होगा उन छात्रों के लिए जो इंग्लिश में लेसन प्लान तैयार करना चाहते हैं। तो किस तरह से हमें लेसन प्लान तैयार करना है, क्या इसके सामान्य से रूल्स हैं, किस तरह से हमें फॉर्मेट में काम करना है, ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर समझाऊँगा। सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश लेसन प्लान। Inspiring to bring a change will motivate you and inspire you to lead ahead. तो सभी छात्र अध्यापक टीचर पुपिल जो बीएड फर्स्ट ईयर परस्यू कर रहे हैं उन लोगों को लेसन प्लान तैयार करना होता है। यह एक इंग्लिश का लेसन प्लान है और इस लेसन प्लान में ये मेंशन किया गया है कि किस तरह से हमें पॉइंट्स लिखने हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा। तो जो छात्र बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक ओवरव्यू है, एक आइडिया है और इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से हमें लेसन प्लान तैयार करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ वी शुड प्रिपेयर लेसन प्लान स्पेशली इट इज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर मेंशन किया हुआ है लेसन नंबर 7 और डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना है। सब्जेक्ट है इंग्लिश, स्कूल स्लैश कॉलेज का नाम यहाँ पर हमें मेंशन करना है, क्लास स्लैश सेक्शन, तो क्लास है 8, रोमन नंबर्स में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और अगर रोमन नंबर में हमने लिखा है तो हमें इसके ऊपर TH नहीं लगाना है। जैसे फर्स्ट अगर डिजिट में लिखा है, जैसे नीचे देखिए 5, तो यहाँ पर TH लगा रखा है 5th, तो यहाँ पर अगर डिजिट में लिखा है तो हमें TH लगाना है और अगर रोमन नंबर्स में लिखा है तो हमें TH नहीं लगाना है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और सेक्शन है B, पीरियड यानी कि कालांश, किस समय आप पढ़ा रहे हैं, 5th पीरियड आप पढ़ा रहे हैं तो 5th पीरियड यहाँ पर कर देना है। ड्यूरेशन है 35 मिनट्स। तो यहाँ पर लेसन प्लान को हम समझ लेते हैं और इसके माध्यम से हमें एक कंप्लीट ओवरव्यू हमको मिल जाएगा कि किस तरह से हमें इंग्लिश का लेसन प्लान तैयार करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट यानी कि विषय, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक सीधी लाइन पर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से आप एक अच्छी तरह से लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं। सब्जेक्ट है इंग्लिश, सब सब्जेक्ट यानी कि उप विषय, प्रोज यानी कि गद्यांश का एक पार्ट है यहाँ पर, और टॉपिक है प्राकरण फ्लोरेंस नाइटिंगल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग टीचिंग ट्रेनिंग ये आपको बनाना होता है लेसन प्लान, लेकिन जब आप क्लास में जाकर पढ़ाते हैं तो एग्जैक्टली आपको छात्रों को पहले से ही टॉपिक का नाम नहीं बताना है। ये केवल एक टीचर पुपिल के लिए है और इसी के माध्यम से हम यहाँ पर ये जान सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग एक एक पॉइंट पर स्पेशली ध्यान दिया जाता है और ये उसी चीज़ को डेवलप करने के लिए टीचर प्रोफाइल के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स सामान्य उद्देश्य, और एक दिया हुआ है नीचे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए जानते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि अगर टीचर पीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो क्या एक सामान्य उद्देश्य है, क्या मकसद है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं उनको, उससे क्या उनका
बेनिफिट होने वाला है, क्या डेवलप होने वाला है, उस चीज़ के बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि नंबर वन पे मेंशन किया हुआ है कि डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो छात्र के अंदर एक योग्यता को डेवलप करना है, विकास करना है, ताकि छात्रों में अंग्रेजी के प्रति रुचि बढ़े। नंबर टू, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू गेट एन्जॉयमेंट थ्रू रीडिंग, छात्र को योग्य बनाना है कि रीडिंग के माध्यम से वो आनंद ले सके, वो समझ सके कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में जो भी वो पढ़े उसका आनंद ले। नंबर थ्री, टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर, छात्रों को अंग्रेजी साहित्य के प्रति रुचि का विकास करना है। ये एक सामान्य ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये एक सामान्य उद्देश्य है। नंबर फोर है, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू लिसन स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, तो फोर स्किल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, तो इन सभी स्किल्स को इम्प्रूव करना है छात्रों का, तो छात्र को इंग्लिश लिसनिंग में उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे कि प्रोनंसिएशन वाला वर्ड है, तो जब कोई छात्र किसी वर्ड को सुनता है तो उसको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। स्पीकिंग के दौरान छात्र अच्छी तरह से इस वर्ड को प्रोनंस करे, और राइटिंग में उनकी स्पेलिंग करेक्ट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, तो इन सब अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए आप ये सामान्य उद्देश्य में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। तो स्पेशल उद्देश्य क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, नंबर वन, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज टू फ्लोरेंस नाइटिंगल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगल ये हमारा प्रकरण है, ये हमारा टॉपिक है जो हमको पढ़ाना है, टीचर पीपल को ये टॉपिक पढ़ाना है। तो एनेबल स्टूडेंट्स यानी कि छात्र को योग्य बनाना कि वो फ्लोरेंस नाइटिंगल जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वो उसको खुद पढ़ सके, वो समझ सके, वो वोकैबुलरी को जान सके, और उसमें जो रीडिंग है उसके उस दौरान वो छात्र उस शब्द को सही से प्रोनाउंस कर सके। तो हम ये जानना चाहते हैं कि छात्र फ्लोरेंस नाइटिंगल जो प्रोज है उस टेक्स्ट को स्वयं ही पढ़ सके। नंबर टू, टू एनरिच वोकैबुलरी पावर ऑफ स्टूडेंट्स बाय एडिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो स्पेशल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ये है कि छात्र की शब्दावली क्षमता को बढ़ाना है, जैसे कि कुछ और शब्द आप ऐड कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, जैसे कि फेमस, सिक पीपल, यूजफुल, कंफर्टेबली एट्सेट्रा। तो ये सारे शब्द, ये सारे वोकैबुलरी फ्लोरेंस नाइटिंगल टेक्स्ट को पढ़ाते समय ये आएंगी, और इन्हीं चीज़ों को हमें छात्रों को सिखाना है। प्रीवियस नॉलेज, तो छात्र का पूर्व ज्ञान क्या है, छात्र क्या जानता है पहले से ही, क्योंकि टीचर पुपिल को टॉपिक पहले ही नहीं बताना होता है, ये टॉपिक को आपको बाद में बताना होता है, ओपन करना होता है, डिस्क्लोज नहीं करना है। सबसे पहले हम इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, और इंटरेक्ट कर बातों में से ही आपको छात्रों से जवाब लेना है, और उन्हीं जवाबों में से छात्र को टॉपिक के करीब ले जाना है। तो यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज छात्रों का ये है कि स्टूडेंट्स ये जानता है, स्टूडेंट्स नो दैट अ नर्स असिस्ट द डॉक्टर, कि एक नर्स डॉक्टर की सहायक होती है, वो सहायता करती है। नंबर टू, स्टूडेंट्स नो दैट अ नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट, तो लुक्स आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। छात्र ये भी जानता है कि नर्स मरीजों की देखभाल करती है। स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड ऑल द फोर फॉल्स स्किल्स, तो फोर स्किल्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग।
तो ये सभी स्किल्स का डेवलप करना है। और छात्र कुछ हद तक जानता है, कुछ शब्द वो सुन चुका है, वो लिख चुका है, वो जानता है, तो इस तरह से उनका प्रीवियस नॉलेज, जो भी वो जानता है, जो ज्ञान है उनके अंदर, उसी चीज़ को हमें और बढ़ाना है। एंड रीडिंग अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और कुछ हद तक वो पढ़ भी सकते हैं, तो ये सब उनका पूर्व ज्ञान है। नाउ टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री, हमें क्या क्या चाहिए? तो एक टीचर पुपिल को पढ़ाते समय, इस लेसन प्लान को पढ़ाते समय हमें चाहिए होगा ऑर्डिनरी क्लासरूम, एक सामान्य से कक्षा जिसमें कुछ इक्विपमेंट, कुछ सहायक सामग्री हो, जैसे कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, टेक्स्ट बुक्स। तो हम इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए हम छात्रों को पढ़ा सकते हैं। तो ये एक लेसन प्लान है कि एक टीचर पुपिल को किस तरह से लेसन को प्लान करना चाहिए, किस तरह से उनको पढ़ाना है, तो इसी चीज़ पर ये पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है, और इस तरह से हम अपने लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें लेसन प्लान को तैयार करना है। इंग्लिश सब्जेक्ट में ये लेसन प्लान दिया हुआ है। बीएड फर्स्ट ईयर के तमाम वो छात्र जो इंग्लिश सब्जेक्ट में अपने लेसन प्लान तैयार करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये है एक कंप्लीट ओवरव्यू है। तो आइए जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर है इनपुट यानी कि अदा, और नेक्स्ट है प्रक्रिया, प्रोसेस। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर मेंशन करना है। और एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम यानी कि अपेक्षित व्यवहारिक उपलब्धियाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन, अनुदेशात्मक उद्देश्य, विशिष्टीकरण सहित आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट कॉलम बना हुआ है पीपल टीचर्स एक्टिविटीज यानी कि छात्र अध्यापक क्रियाएं। तो बीएड फर्स्ट ईयर के वह छात्र जो टीचर पुपिल हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, उन्हें क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है, वो यहाँ पर हमें मेंशन करना है। और यहाँ पर अगर हम राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभव, जिसमें कि कुछ और दो कॉलम्स बने हुए हैं, जिसमें मेंशन किया है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, छात्र क्रियाएँ, मैथड, टेक्निक एंड टीचिंग एड, विधि, और यहाँ पर सहायक सामग्री जो आप उपयोग कर रहे हैं, तकनीक आदि को हमें यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट कॉलम में दिया हुआ है आउटपुट, और यहाँ पर हमें मेंशन करना है कुछ पॉइंट्स, जैसे कि लर्निंग आउटकम क्या होगा, रियल लर्निंग आउटकम। तो फाइनली स्टूडेंट्स इस कंप्लीट टॉपिक से क्या सीखेगा, वो सारी चीज़ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में हमें मेंशन कर देना है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो आइए जानते हैं कि इन सभी कॉलम्स में किस तरह से हमें अपने पॉइंट्स को लिखना है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन में मेंशन ये है स्टूडेंट्स डेवलप न्यू वोकैबुलरी एंड नॉलेज बाय लिंकिंग द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। तो छात्रों के जो पूर्व ज्ञान है, जो भी वो जानते हैं, उसको हमें लिंक करना है, उसको कनेक्ट करना है, उनको नया वोकैबुलरी उनको सिखाना है और उनके ज्ञान का विकास करना है। तो पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में क्या होगा, ये माइक्रो टीचिंग का सबसे पहला बिंदु है, पॉइंट है। जब हम इंग्लिश टेक्स्ट को पढ़ा रहे हैं तो हमें टॉपिक नहीं बताना है पहले स्टूडेंट को, सबसे पहले हमें इंटरेक्शन करना है, बातचीत करना है, और बातों में से ही हमें छात्र को टॉपिक के करीब लेकर आना है। जैसे कि टीचर पुपिल एक्टिविटीज़ में सबसे पहले छात्र अध्यापक छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि द पुपिल टीचर आस्क्स सर्टन क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो कुछ प्रश्न वो पूछते हैं, और पहला प्रश्न पूछा छात्र अध्यापक ने
Who do you visit when you fall sick? आप किससे मिलने जाते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं? तो छात्रों को ये ज्ञात है और वह स्वयं ही जवाब देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। स्टूडेंट्स आंसर्स द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द पीपल टीचर्स। तो छात्र पीपल टीचर द्वारा प्रश्न का जवाब देते हैं और जवाब में वो देंगे आई विजिट डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिलने जाता हूँ। तो ये पहला प्रश्न का जवाब छात्र स्वयं ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा हु हेल्प्स अ डॉक्टर इन हिज वर्क, तो डॉक्टर की सहायता कौन करता है उनके कार्यों में? तो छात्र यहाँ पर जवाब देंगे अ नर्स हेल्प्स अ डॉक्टर, यानी कि नर्स तो वो जानते ही हैं, जो उनका पूर्व ज्ञान है प्रीवियस इन्फॉर्मेशन उसको हमें लिंक करना है। तो आपने कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ किया ये कॉलम में आप मेंशन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ये इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हम छात्र से पुनः प्रश्न पूछेंगे। चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न दूसरे प्रश्न से कनेक्ट है, लिंक है, और दूसरा प्रश्न तीसरे प्रश्न से कनेक्ट होना चाहिए। इस तरह से कनेक्टिविटी का हमें ध्यान रखना है। नंबर 3 पे है हैव यू हर्ड द नेम ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो छात्र से आपने पूछा क्या आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्या आपने सुना है? तो छात्र यहाँ पर एक अनुमानित जवाब देगा, या तो वो हाँ बोलेगा यस या नो। तो इस तरह से हम प्रश्न को लिंक करते जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, छात्र यहाँ पर जवाब नहीं दे पाते हैं और यही सही फिर हमें उनका टॉपिक को डिस्क्लोज करना है, टॉपिक को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है हाउ डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल हेल्प पीपल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लोगों की सहायता कैसे की थी? तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, समस्यात्मक प्रश्न। तो हमने कौन से विधि का यूज किया है यहाँ पर, क्वेश्चन आंसर मेथड विधि का यूज किया है। नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स नो द टॉपिक ऑफ द डे, छात्रों को अब हम टॉपिक के बहुत करीब लेकर आए हैं और छात्रों को टॉपिक के बारे में बताना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, चूँकि प्रश्न में ही हमने पूछ लिया था समस्यात्मक प्रश्न में कि हैव यू हर्ड द नेम ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्या आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना है? तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न है और फिर छात्रों को बताना है कि आज का हमारा विषय है, आज का हमारा प्रकरण है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो स्टेटमेंट ऑफ एम, तो आपको जो स्टेटमेंट आपने कहा है, कथन जो कहा है, उसका उद्देश्य भी समझाना है। तो सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपने प्रश्न पूछा था, तो उसको क्लियर करेंगे छात्र के लिए। तो छात्र को बताना है, समझाना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज अ फेमस नर्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बहुत ही प्रख्यात नर्स थी। शी ग्रू अप इन इंग्लैंड एंड ट्रेवल्ड मैनी कंट्रीज, तो वह इंग्लैंड में पली बड़ी और उन्होंने कई देशों का दौरा किया, यात्रा किया। शी वॉन्टेड टू हेल्प पीपल, वो लोगों की मदद करना चाहती थी। विच शी कॉल्ड टू इट्स सर्विस टू गॉड, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा होती है। शी सर्व्ड ह्यूमैनिटी, उन्होंने मानवता की भलाई के लिए कार्य किया, उन्होंने मानवता की सेवा की। तो छात्र क्या करेगा यहाँ पर, छात्र एक्टिविटीज है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। जब आप स्टेटमेंट को क्लियर कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो छात्र आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। आपने कौन सी विधि का यूज़ किया है यहाँ पर, स्टेटमेंट कथन को आपने समझाया है। फिर उसके बाद आप एक इवेल्युएशन में रियल लर्निंग जानने के लिए कि रियल लर्निंग आउटकम, आपने जो उनको समझाया है, जो भी कथन आपने कहा है, क्या उन्होंने उसको सीखा है या नहीं, उसे जानने के लिए हम एक प्रश्न पूछेंगे हु वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जैसे ही आप ये प्रश्न पूछेंगे, छात्र स्वयं ही जवाब देंगे
फ्लोरेंस नाइटिंगल वॉज ए फेमस नर्स। तो वो जो भी आपने कथन कहा है, क्योंकि टीचर एक्टिविटीज़ में आपने फ्लोरेंस नाइटिंगल के बारे में कुछ स्टेटमेंट रखा था, कुछ पॉइंट्स रखा था, तो उस तरह से छात्र अपना जवाब देता है, फ्लोरेंस नाइटिंगल वॉज ए फेमस नर्स। तो फ्लोरेंस नाइटिंगल एक प्रख्यात नर्स थी। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों तरीके से टीचर पुपल एक्टिविटीज़ में स्टार्टिंग हुआ था, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से, इंट्रोडक्शन से, और आपने कुछ प्रश्न पूछे थे। प्रत्येक प्रश्न एक दूसरे से लिंक्ड है, और एक समस्यात्मक प्रश्न पूछकर छात्र जब जवाब नहीं दे पाते हैं, और आप उन छात्रों को काफ़ी करीब लेकर आते हैं टॉपिक के पास, और जैसे ही वो करीब आ जाते हैं तो फिर आप उनको क्लियर करते हैं कि आज का हमारा विषय है, आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरेंस नाइटिंगल। तो यहाँ पर ये माइक्रो टीचिंग पर फोकस किया गया है। ये कम्प्लीटली टीचर पुपिल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब आप शिक्षण कर रहे हैं तो उस समय किस तरह से आपको छात्र को हैंडल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है मॉडल रीडिंग। अब यहाँ पर भी मॉडल रीडिंग एक माइक्रो टीचिंग का ही पार्ट है, और यह है टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। तो माइक्रो टीचिंग में इंग्लिश सब्जेक्ट में रीडिंग पर फोकस होता है, क्योंकि छात्रों को जब आप रीडिंग कराएंगे तो छात्रों को ज्ञात होगा कि किस विषय पे वो पर चर्चा चल रही है, और क्या आप उनको पढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ ज्ञान वो अर्जित करेंगे। तो मॉडल रीडिंग यानी कि रीडिंग करना है। रीडिंग कौन करेंगे? अब टीचर पुपिल रीडिंग करेंगे छात्रों के लिए। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, सभी छात्र आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, और टीचर एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। पीपल टीचर क्या करता है? द पीपल टीचर डज अ मॉडल रीडिंग। तो पीपल टीचर एक मॉडल रीडिंग करते हैं, टेक्स्ट बुक को लेकर वो रीडिंग करते हैं। अ करेक्ट इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, और शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, उच्चारण पर आपका उच्चारण सही होना चाहिए, प्रॉपर रीडिंग होनी चाहिए, और लाउड रीडिंग आप कर सकते हैं ताकि सभी छात्र आपकी बात को ध्यान से सुने। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स क्या करेगा? अब जब टीचर पुपिल ये एक्टिविटी कर रहे हैं, रीडिंग का काम कर रहे हैं, तो छात्र यहाँ पर जाहिर है कि वो सुनेंगे। तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड फॉलो इन देयर टेक्स्ट बुक्स। तो छात्र अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं जहाँ पर ये टॉपिक चल रहा है, जहाँ पर ये रीडिंग कर रहे हैं आप, तो छात्र उसको अपने फिंगर को रखते हुए और प्रत्येक सेंटेंस को ध्यान से वो फॉलो करेंगे टेक्स्ट बुक में, अपने अपने टेक्स्ट बुक्स में। तो यहाँ पर आपने कौन सा मेथड, कौन सा विधि यूज़ किया है? रीडिंग टेक्स्ट बुक। तो एक टेक्स्ट बुक का भी यहाँ पर एक कट पेस्ट आप लगा सकते हैं, एक कलर्ड पेपर पर लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक, और बुक का नाम भी लिख सकते हैं रेनबो इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइक्रो टीचिंग पर कम्प्लीटली बेस्ड है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमने पूछा, पीपल टीचर एक्टिविटीज़ और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ साथ साथ चल रहे होते हैं। तो कौन कौन सी विधि आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आप मेंशन करते चलेंगे। तो इस तरह से हम इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन प्लान को तैयार करते हैं। और यहाँ पर आपने ये भी देखा कि एक रियल लर्निंग आउटकम के संबंध में आपने एक प्रश्न भी पूछा, जो भी आपने स्टेटमेंट क्लियर किया, छात्र को समझाया है, तो वो छात्र उसका जवाब भी दे पा रहे हैं। तो ये हुआ रियल लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट पॉइंट हम सीख लेते हैं। उसके बाद टीचिंग पॉइंट है, आप टेक्स्ट बुक का एक कट पेस्ट यहाँ पर आप लगा सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइंस यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आप पढ़ा रहे हैं। तो चूँकि टेक्स्ट बुक आपको यूज़ करना होता है इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर वो टेक्स्ट बुक कट पेस्ट और उसके अंदर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि जो जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगल टॉपिक के संबंध में, वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग पॉइंट आएगा, प्रोनंसिएशन ड्रिल। तो छात्र को जितना उच्चारण हम सिखाएंगे तो छात्रों का प्रोनंसिएशन ठीक होगा, उच्चारण ठीक होगा, शब्दों में पकड़ बनेगा, और उनके वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगा।
तो आपको अब ड्रिल कराना है, प्रैक्टिस कराना है। साथ ही साथ आपको फ्लैश कार्ड भी यूज़ करना है। तो फ्लैश कार्ड किसे कहते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर कुछ कलर्ड पेपर पर मेंशन किया हुआ है, जैसे कि सर्विस, नर्स, कंफर्टेबल। तो ये फ्लैश कार्ड टीचर पुपिल को शो करना है, दिखाना है, क्योंकि टीचर पुपिल को अपना टीचिंग लर्निंग सामग्री भी साथ रखना है। और सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछा, फिर स्टेटमेंट ऑफ एम को क्लियर किया, उसके बाद फिर आपने मॉडल रीडिंग किया, तो छात्रों ने आपको फॉलो किया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रोनंसिएशन ड्रिल और फ्लैश कार्ड का प्रयोग किस तरह से आप करते हैं। तो पीपल टीचर को क्या करना है, अब टीचिंग पॉइंट है यहाँ पर, स्टूडेंट्स प्रोनंस द वर्ड विद करेक्ट प्रोनंसिएशन। तो यहाँ पर छात्र को शब्दों का सही उच्चारण के बारे में ज्ञात होगा, और इसलिए ये एक टीचिंग पॉइंट है। तो इस मुद्दे को, यानी कि टीचिंग पॉइंट को फोकस करते हुए अब आपको प्रोनंसिएशन ड्रिल कराना है, उच्चारण प्रैक्टिस कराना है। तो पीपल टीचर एक्टिविटीज में आपको मेंशन करना है, पीपल टीचर राइट्स द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, भारी शब्द हैं, वोकैबुलरी हैं, उनको आप ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करेंगे, एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू रिपीट द वर्ड्स आफ्टर हिम। और छात्रों से ये कहा जाएगा कि अब आप मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करें। तो सभी छात्र टीचर पुपिल को फॉलो करेंगे और जोर जोर से उन शब्दों को बोलेंगे। तो ये हो रहा है प्रोनंसिएशन ड्रिल, प्रैक्टिस हो रहा है। द स्टूडेंट्स टू रिपीट द वर्ड्स आफ्टर हिम इन कॉरस। तो कॉरस यानी कि साथ साथ, एक ही सुर में बोलना है, सभी को साथ साथ उच्चारित करना है। ही ऑल्सो शोज अ फ्लैश कार्ड, और वह साथ साथ फ्लैश कार्ड का भी प्रयोग करता है, वो दिखाता है। तो फ्लैश कार्ड टीचर पुपिल को पहले से ही तैयार रखना है, यानी कि एक कलर्ड पेपर पे आप बड़े बड़े अक्षर में बोल्ड लेटर्स पे कुछ शब्द को मेंशन कर सकते हैं, और उन शब्दों को उनको शो करते हुए, दिखाते हुए, चारों तरफ शो करते हुए उनको जोर जोर से उच्चारित कराना है। तो इससे क्या होता है कि प्रोनंसिएशन ड्रिल उनकी प्रैक्टिस हो रही है, और फ्लैश कार्ड से स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आता है और यहाँ पर फ्लैश कार्ड को शो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में क्या होगा, स्टूडेंट्स रिपीट द वर्ड्स इन करेक्ट एक्सेंट लाउडली इन कॉरस। तो सभी छात्र शब्दों को रिपीट करते हैं, भारी वोकैबुलरी को एक्सेंट के साथ, एक सही उच्चारण के साथ, एक साथ और जोर से उन शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये प्रोनंसिएशन ड्रिल का ही पार्ट है। क्योंकि आपने यहाँ पर विधि कौन सा यूज़ किया है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया है, चौक का प्रयोग किया है, तो ब्लैक बोर्ड का एक यहाँ पर कट पेस्ट लगा देंगे। ये एक ब्लैक कलर का कलर्ड पेपर है, और ऊपर मेंशन करेंगे ब्लैक बोर्ड, और अंदर उन शब्दों को, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने लिखे हैं बोर्ड पर, वो यहाँ पर कट पेस्ट करके यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इस तरह से लेसन प्लान को एक बहुत ही सूझबूझ के साथ, प्लानिंग के साथ और समझते हुए आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर टीचिंग पॉइंट में आपने देखा कि प्रोनंसिएशन ड्रिल, फ्लैश कार्ड इत्यादि का प्रयोग किया गया है, और जो भी मेथड आपने यूज़ किया वो यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ब्लैक बोर्ड मेथड हुआ, उसमें टीचिंग सामग्री जैसे कि चॉक, डस्टर, पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉइंटर एक छड़ी नुमा होता है, और टीचर पुपिल के लेफ्ट हैंड पर यह पॉइंटर रहना चाहिए, और प्रत्येक डिफ़िकल्ट वर्ड्स पर पॉइंट करते हुए उनको वर्ड्स को ड्रिल कराना है, प्रोनंसिएशन ड्रिल कराना है, और साथ साथ फ्लैश कार्ड को भी दिखाना होता है। तो इस तरह से आप लेसन प्लान को तैयार करते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के तमाम वो छात्र जो इंग्लिश सब्जेक्ट में अपना लेसन प्लान तैयार करना चाहते हैं, वो इस तरह से लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि माइक्रो टीचिंग पर फोकस है कम्प्लीटली, जैसे कि प्रोनंसिएशन ड्रिल, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ एम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें ही आपको मेंशन करना होता है। अब हम देख लेते हैं कि
इस तरह से आपने शुरुआत की थी, टीचिंग पॉइंट, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन और पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, मेथड्स, इवेल्यूएशन, तो ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करते हुए आपको चलना है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा हमारा लाउड रीडिंग। तो आपने मॉडल रीडिंग भी करा दिया है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल भी करा दिया है, फ्लैश कार्ड भी शो कर दिया है, अब आपको लाउड रीडिंग कराना है। तो लाउड रीडिंग का उससे स्पेसिफिकेशन क्या होगा, क्या विशिष्टीकरण है, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, स्टूडेंट्स रीड द पैसेज विद करेक्टली प्रोनाउंस वर्ड। तो सभी छात्र उस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, सही उच्चारण के साथ पढ़ते हैं और समझते हुए पढ़ते हैं। और पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में यहाँ पर आपको मेंशन करना है, पीपल टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज लाउडली। तो पीपल टीचर अब छात्र से ये पूछता है, कहता है कि अब आप पैसेज को जोर से पढ़ें और सही उच्चारण के साथ पढ़ें। तो वन बाय वन सभी को मौका देना है विद अ प्रॉपर स्ट्रेस, सही उच्चारण के साथ कंप्लीटली उस पैसेज को पढ़ना है। तो एक एक करके छात्र को कहना है और सभी छात्र अपने टेक्स्ट बुक को लेकर पैसेज को रीड करेंगे। तो यहाँ पर मेंशन है कि स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स क्या करेगा, क्योंकि टीचर पुपेल ने कहा है कि पैसेज को लाउडली और क्लियरली पढ़े, करेक्टली पढ़े। तो स्टूडेंट्स रीड द पैसेज लाउडली वन बाय वन। तो एक एक करके छात्र पैसेज को जोर जोर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया, यहाँ पर मेंशन करेंगे, लिसनिंग, रीडिंग टेक्स्ट बुक, बुक, और यहाँ पर फिर टेक्स्ट बुक को एक कलर्ड पेपर में कट कर ऊपर लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये है इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन प्लान। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो प्रदर्शन करना है, आपको बताना है कि कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स जब आप पैसेज पढ़ा रहे थे, कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे, उन सभी वर्ड्स को मीनिंग के साथ समझाना है और एक सेंटेंस भी बना देना है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आपको मेंशन करना है, स्टूडेंट्स एनरिच देयर वोकैबुलरी। सभी छात्र अपने वोकैबुलरी, अपने शब्दावली को बढ़ोतरी करते हैं, सीखते हैं। द पीपल टीचर एक्सपोज्ड सम न्यू वर्ड्स, और इसी के साथ टीचर पीपल कुछ शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं, जैसे कि वर्ड और मीनिंग के द्वारा समझाना। तो सबसे पहले वर्ड आपने लिखा फेमस और उसकी मीनिंग को यहाँ पर मेंशन करेंगे पॉपुलर, और एक एग्जांपल भी दे देंगे, दिल्ली इज अ फेमस सिटी। तो स्टूडेंट्स फेमस के बारे में वो सीख रहा है और फेमस सिटी यानी कि प्रसिद्ध शहर है और पॉपुलर भी इसका सिनोनिम है। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को ज्ञात होगा कि फेमस को पॉपुलर भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा लेसन प्लान में एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स को भी मेंशन कर देना है। और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में आपको लिखना है, स्टूडेंट्स विल नोट डाउन एंड ट्राई टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स सभी वर्ड मीनिंग को लिखेंगे अपनी नोटबुक में और जितने भी वर्ड्स उनको समझाया गया है वो उसको जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, यहाँ पर फिर दोबारा मेंशन करेंगे, ब्लैक बोर्ड, चॉक और एक ब्लैक बोर्ड का कट पेस्ट यहाँ पर लिख देंगे। तो जो भी वर्ड आपने यहाँ पर पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में किया है, जैसे कि वर्ड मीनिंग फेमस पॉपुलर, तो यहाँ पर भी ब्लैक बोर्ड में मेंशन करेंगे वर्ड मीनिंग फेमस पॉपुलर एग्जाम्पल के साथ, दिल्ली इज़ अ फेमस सिटी। तो ये है लेसन प्लान। उसके बाद ये सारा एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स है, पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में ये सारे बोर्ड पर मेंशन कर देना है। सिक पीपल यानी कि पेशेंट्स एग्जांपल दे देंगे, सिक पीपल गो टू हॉस्पिटल फॉर रेमेडीज। तो बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल पे जाकर अपना इलाज कराते हैं, उपचार के लिए जाते हैं। नंबर थर्ड पे है ट्रैवल्ड, तो ट्रैवल्ड का मीनिंग समझा देना है, टू रोम अबाउट। तो रोम यानी कि यात्रा करना, घूमना इधर उधर, तो उसके लिए हम ट्रैवल के मीनिंग को समझा रहे हैं। एग्जांपल दे देंगे,
दे ट्रेवल्ड बाई बस, तो यहाँ पर दे टी एच ई वाई होना चाहिए, दे ट्रेवल्ड बाई बस। एग्जाम्पल के साथ आप समझाते रहेंगे, क्योंकि ट्रेवल्ड आपने डिफिकल्ट वर्ड में लिया था और उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर दे देंगे, दे ट्रेवल्ड बाई बस। यूजफुल, यूजफुल के मीनिंग को समझाते हुए, वर्दी यानी कि उपयोगी और वर्दी यानी कि लायक उपयोगी। एग्जाम्पल दे देंगे, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, तो कॉपर एक बहुत ही उपयोगी धातु है। नंबर फाइव में है कंफर्टेबली, और इसकी मीनिंग को समझा देंगे विद ईज, ई ए एस ई, और एग्जाम्पल दे देंगे वी स्लेप्ट कंफर्टेबली लास्ट नाइट। तो ये सारा एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, और ये सभी को ब्लैक बोर्ड पे आपको कट पेस्ट करके यहाँ पर मेंशन करना है, क्योंकि सारे शब्द तो नहीं आएंगे, तो इसलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप मेंशन करके पेस्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या होगा, स्टूडेंट्स नोट डाउन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड एंड ट्राई टू ग्रैप द मीनिंग ऑफ द पैसेज। तो स्टूडेंट्स अपने नोटबुक में सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को नोट डाउन करेंगे, उसको लिखेंगे, और पैसेज में इन सभी शब्दों का जो प्रयोग हुआ है उसके मीनिंग को वो जानने का प्रयास करेंगे। तो टीचिंग मेथड आपने जो भी यूज़ किया यहाँ पर मेंशन करेंगे, ब्लैक बोर्ड, चॉक इत्यादि। नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग में आता है साइलेंट रीडिंग। अब पीपल टीचर सभी छात्रों को एक साइलेंट रीडिंग के लिए कहा जाएगा। तो साइलेंट रीडिंग में शोर नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, सभी छात्र अपने मन मन में उस पैसेज को रीड करेंगे जब हमने मॉडल रीडिंग कराया था। तो यहाँ पर टीचिंग पॉइंट हो गया, स्टूडेंट्स रीड द पैसेज साइलेंटली, सभी छात्र पैसेज को चुपचाप पढ़ते हैं, मन मन में पढ़ते हैं। और पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में यहाँ पर मेंशन करेंगे, द पीपल टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली। अब छात्र अध्यापक छात्रों से ये कहते हैं कि सभी छात्र अब अपने मन मन में बिना लिप मूवमेंट के, लिप्स नहीं हिलना चाहिए, और सभी छात्र अपने फिंगर को रखकर कंप्लीट पैसेज को पढ़ें। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में मेंशन करना है, स्टूडेंट्स रीड द पैसेज विदाउट लिप मूवमेंट। तो सभी छात्र उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे बिना अपने लिप्स को हिलाए, यानी कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और सभी छात्र को अपने मन मन में उसको पढ़ना है। क्योंकि अब आपने डिफ़िकल्ट वर्ड भी समझा दिया है, तो अब छात्र को काफ़ी नॉलेज हो गया है कि जिसके बारे में आप पढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके बारे में समझाना चाह रहे हैं, छात्र उन सभी को आसानी से समझ पाएगा। अब आप क्या करेंगे, सुपरविज़न करेंगे, देख रेख, यानी कि आप थोड़े से कक्षा में ध्यान रखेंगे कि कौन सा छात्र साइलेंट रीडिंग कर रहा है या नहीं, और उनको सुपरवाइज करेंगे। नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग में आता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस अब छात्र को आपको देना है, कुछ प्रश्न देने हैं, क्योंकि जो भी आपने सिखाया है अब छात्र काफ़ी हद तक उसका जवाब दे पाएंगे। टीचिंग पॉइंट में आप लिख देंगे यहाँ पर, स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंड द पैसेज एंड गिव आंसर। सभी छात्र, कॉम्प्रीहेंड का अर्थ होता है अंडरस्टैंड, समझना, पैसेज को समझकर अपना अपना उत्तर देते हैं। टीचर पीपल एक्टिविटीज़ में लिखना है, द पीपल टीचर आस्क सम क्वेश्चंस टू जज इफ दे हैव लर्न द पैसेज और नॉट। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, यहाँ पर टी का प्रयोग करना है, हैव लर्न द पैसेज। तो टीचर पीपल कुछ क्वेश्चंस देते हैं और ये जांचना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि छात्रों ने क्या सीखा अब तक, कितना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है इस पैसेज को पढ़कर। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में मेंशन करेंगे, स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस, सभी छात्र प्रश्नों का जवाब देते हैं। अब हमें रियल लर्निंग आउटकम पर यहाँ पर इवोल्यूशंस पे मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न। चूँकि टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी मेंशन है, वहाँ पर दिया हुआ है, जब आप साइलेंट रीडिंग करा रहे थे, जब आपने मॉडल रीडिंग कराया था, तो ये पैसेज में ऑलरेडी सेंटेंस आया था, अब छात्र जान चुका है कि इसका जवाब कैसे देना है। तो व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न, तो पहला आपने क्वेश्चन पूछा, विधि आपने यूज़ किया है क्वेश्चन आंसर मेथड, और इसका जवाब दे देना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न ऑन मई 12
1820, तो ये छात्र अपने आप ही जवाब देगा, क्योंकि जो भी आपने सिखाया वो रियल लर्निंग आउटकम से पता चलता है, इवेल्युएशन से पता चलता है। तो यानी कि आपकी टीचिंग सफल हुआ, अच्छी तरह से आपने उनको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा, वेयर वॉज शी बॉर्न, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो छात्र अपने आप ही जवाब देंगे, शी यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन इटली, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डिड शी ग्रो अप, वह कहाँ पली बड़ी, तो उसके बारे में जवाब देंगे छात्र अपने आप ही, शी ग्रो अप इन इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट डिड शी वॉन्ट टू बिकम, वह क्या बनना चाहती थी, आंसर में छात्र अपने आप ही जवाब देगा, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज है ये। She wanted to become a nurse, वह एक नर्स बनना चाहती थी। तो इस तरह से आपने देखा कि इंग्लिश सब्जेक्ट में किस तरह से लेसन प्लान को तैयार करना है। तो सभी माइक्रो टीचिंग को फोकस करते हुए सभी को मेंशन करना है एक एक के बाद। तो सबसे पहला हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमें मेंशन करना है और टॉपिक के काफ़ी करीब ले जाना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम को क्लियर करना है छात्र का। उसके बाद मॉडल रीडिंग कराना है। उसके बाद प्रोनंसिएशन ड्रिल कराना है। फ्लैश कार्ड को शो करना है। पॉइंटर का यूज़ करना है। तो कौन कौन से विधि आपने यूज़ किया, टीचर एक्टिविटीज़ में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ ही लेसन प्लान का एक पार्ट है। और फाइनली आप मेंशन कर देंगे यहाँ पर रीकैपिटुलेशन, यानी कि समराइज करना, कम्प्लीटली दोहराना। तो जो भी छात्रों ने सीखा है उसको जल्दी जल्दी से आप दोहरा भी सकते हैं। तो ये रीकैपिटुलेशन होता है। तो नंबर वन, आपने क्वेश्चन पूछा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न ऑन मे 1820, राइट या रॉन्ग, तो सभी छात्र बोलेंगे राइट। क्योंकि आप रिकैपिचुलेशन करा रहे हैं, समराइज करा रहे हैं, दोहरा रहे हैं तेजी से, और इस तरह से छात्रों को काफ़ी वोकैबुलरी का ज्ञान मिलेगा और छात्र काफ़ी चीज़ों के बारे में जान सकेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के संबंध में। क्वेश्चन नंबर टू, आपने पूछा ये टिक राइट और रॉन्ग वाला प्रश्न होगा, फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम अ नर्स, यस नो, तो छात्र अपने आप ही जवाब देगा यस, राइट का निशान लगा देंगे। और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में होगा, स्टूडेंट्स डू एज डायरेक्टेड, तो छात्र वही करते हैं जो उनको निर्देश दिया गया है। तो आपने कौन से विधि यूज़ किया यहाँ पर मैंशन करेंगे, ब्लैक बोर्ड और राइटिंग, और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे इवेल्यूएशन में सुपरविजन आप के देख रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान भी रखना है कि कौन सा छात्र जवाब दे रहा है, कौन से छात्र ने अपनी नोटबुक में एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपने मेंशन किया था ब्लैक बोर्ड पे वो लिखा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और फाइनली ब्लैक बोर्ड समरी आपको देना है। ब्लैक बोर्ड समरी भी एक माइक्रो टीचिंग का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें ब्लैकबोर्ड वर्क आपका होना चाहिए। और ब्लैकबोर्ड में स्टार्टिंग में, जैसे कि हमने जब इस वीडियो को स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर ये ब्लैकबोर्ड में आपको मेंशन कर देना है, जैसे कि सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और सब सब्जेक्ट है प्रोज, और टॉपिक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और साथ साथ क्लास 8, और वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं ड्यूरेशन और कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सी अवधि चल रही है, वो सारी चीज़ ब्लैकबोर्ड पर मेंशन होना चाहिए। और इस तरह से आपका लेसन प्लान ये तैयार होता है। और पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में आप मेंशन करेंगे, द पीपल टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग फ्रॉम द ब्लैकबोर्ड, तो पीपल टीचर सभी छात्रों को निर्देश देते हैं कि ब्लैकबोर्ड पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मेंशन करिए अपने नोटबुक्स पर, और क्वेश्चन आंसर्स को भी मेंशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपने पूछा था रियल लर्निंग आउटकम में, तो वो सभी क्वेश्चंस को आपको मेंशन कर देना है। स्टूडेंट्स डू एज डायरेक्टेड, और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ होगा कि स्टूडेंट्स निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे जो पीपल टीचर ने कहा है। यहाँ पर आपने जो मेथड यूज़ किया है वो ओरल मेथड है, यानी कि कहकर। लास्ट में एक और माइक्रो टीचिंग वाला पार्ट है, होम असाइनमेंट यानी कि गृह कार्य, तो छात्रों को आपने क्या गृह कार्य दिया, कुछ गृह कार्य आप मेंशन कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर छात्र में यहाँ पर पॉइंट है, स्टूडेंट्स रिटेन द एक्वायर्ड नॉलेज, तो स्टूडेंट्स ने जो भी सीखा है वो उसको जान सके,
और घर जाकर जब आप उसको रिपीट करेंगे, छात्र उसको रिपीट करेंगे, तो वो काफ़ी वोकैबुलरी और सीख सकते हैं। और इस तरह से कुछ वर्ड्स आप दे सकते हैं कि मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कुछ वर्ड आप दे सकते हैं जैसे कि फेमस, यूजफुल, ताकि छात्र उन शब्दों पर कुछ वर्ड मीनिंग समझाने के पश्चात वो सेंटेंस बना के ला सकें, या टिक राइट और रॉन्ग वाला प्रश्न दे सकते हैं। तो होमवर्क में भी आपको कुछ मेंशन करना है। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगा, स्टूडेंट्स डू एज डायरेक्टेड, और यहाँ पर आपने होमवर्क जब मेंशन किया है तो कौन सी विधि यूज़ किया है, होमवर्क राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड इस तरह से, या आप होमवर्क में दे सकते हैं रीड द पैसेज एट होम, या राइट डाउन द पैसेज इन योर नोटबुक, या राइट और रॉन्ग वाला क्वेश्चन दे सकते हैं, या ट्रू फॉल्स, तो कुछ भी होमवर्क आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये कंप्लीट लेसन प्लान है और बहुत ही अच्छी तरह से आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड को पेस्ट करना है, फ्लैश कार्ड को मेंशन करना है, पेस्ट करना है, और टेक्स्ट बुक को भी यहाँ पर लगा देना है। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान तैयार किया जाता है, और सभी लेसन प्लान को आप इस तरह से प्लानिंग के साथ आप बना सकते हैं।